हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग कुशल होंगे, आपके घर परिवार में सब लोग कुशल होंगे। दोस्तों, इस महामारी से बचे रहिएगा। दोस्तों आज मैं आपके सामने लाया हूं मेंस्ट्रुएशन 2D पार्ट 2। हम अपने नित्या क्लास के यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, NTPC और SSC या CGL हो या CHSL हो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा टॉपिक, SSC हो, दिल्ली पुलिस हो या रेलवे हो, तीनों में से किसी भी एग्जाम में आपको इससे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा, मिलेगा नहीं। तो कल लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था मेंस्ट्रुएशन पार्ट 2D का पार्ट 1, और उसमें मैं त्रिभुज की मैं आपको बता दूँ, पहले मैं आपको सारे फॉर्मूलाज बताऊंगा क्या फॉर्मूला क्या होता है। उसके बाद फॉर्मूला कराने के बाद हम आपको इतने क्वेश्चन कराएंगे आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देंगे कि हाँ, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। कहने का मतलब 2D में आपको 99% श्योरिटी रहेगी, ये क्वेश्चन तो मेरा करेक्ट है भाई, इतना मेरा वादा है आपसे। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं चतुर्भुज। तो कल मैंने त्रिभुज का प्रॉपर्टी सारी करा दी गई थी, आज मैं आपके सामने एरिया वाली एक प्रॉपर्टी चतुर्भुज जो त्रिभुज की जो होती है, चतुर्भुज त्रिभुज की वो होती है ज्यामिति में, लेकिन एक होती है हमारी प्रॉपर्टी एरिया में। तो आपको मैं ज्यामिति नहीं करा रहा, मैं एरिया करा रहा हूँ दोस्तों। तो हम एरिया की बात कर रहे हैं आज, एरिया के अनुसार मैं आपको चतुर्भुज कराने वाला हूँ। चतुर्भुज क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे। देखो हेडराइटिंग ये है, जिसको भी नोट करना है वो वीडियो को रोक के जरा अच्छे से नोट कर ले सारे फॉर्मूले, आपके फायदे की बातें बताऊंगा। चतुर्भुज में हम तीन या चार या चार पांच, हम जितने भी सारे प्रकार पढ़ेंगे, पांच प्रकार के मैं आपको चतुर्भुज बताऊंगा कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 और 5। सबसे पहले जानेंगे होते कौन से, उसके बाद हम बात करेंगे क्या किसका फॉर्मूला क्या बनता है। नंबर पहले पर आता आयत रेक्टेंगल, जिसको इंग्लिश में मैं बोलता रहूंगा, हिंदी में लिखता रहूंगा, क्योंकि मोस्टली लोग हमारे हिंदी वाले हैं, इंग्लिश में भी रेक्टेंगल। नंबर दो पर आता है मेरा स्क्वायर, वर्ग कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, वर्ग, स्क्वायर। नंबर तीन आता है मेरा समांतर चतुर्भुज, अभी सबके सामने सबको समझाऊंगा, समांतर चतुर्भुज कैसा भी हो सकता है। उसके बाद होता है मेरा सम चतुर्भुज। नेक्स्ट होता है मेरा समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम, समलंब चतुर्भुज। ठीक है भैया, बोल भी रहा हूँ आपको, नोट करते चलना कौन सा क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में हम सारी जानकारी आपको भी रिसेंटली में आगे देने वाले हैं, जल्दी से बिल्कुल तुरंत। तो अब हम जब बात करेंगे चतुर्भुज के बारे में, चतुर्भुज होता क्या है। बेसिकली चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाओं, चतुर्भुज कोई सा भी हो, एक ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हो, कितनी भुजाएं हो, चार भुजाएं, ठीक है। अब वो भुजाएं, भुजा, भुजी नहीं भुजा, वो चाहे क्या हो सकता है, वो ऐसे हो सकता है, ध्यान देना, वो ऐसे भी हो सकता है, ध्यान देना। अब इन चारों में अंतर क्या है, वो ऐसे भी हो सकता है, क्या अंतर है वो हम आपको सारी डिटेल में बताएंगे। और इसकी एक खास बात, प्रत्येक चतुर्भुज के आंतरिक कोणों का योग 360 डिग्री होगा, सभी के अंदर के कोणों का योग कितना होगा, 360 डिग्री होगा, ये भी बात नोट रखना, याद रखना, त्रिभुज चतुर्भुज सबके याद रखना, त्रिभुज में त्रिभुज का बताया था, चतुर्भुज में चतुर्भुज का बता रहा। हम थोड़ी बात करते हैं क्या हुआ भाई, दिक्कत कर रहा भाई, बैटरी हमारी, सॉरी एक सेकंड रुकेंगे जरा दोस्तों, जरा नोट कीजिए इसको। यस मेरे प्यारे भाइयों, देखिए राइट है, सही आ रही क्लास,
ओके राइट, चतुर्भुज पे हम चलते हैं दोस्तों। हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट लेवल की बात करते हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताएंगे सबसे पहले आयत क्या होता है। आयत के बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं आपको। आयत लिखते हैं, आयत रेक्टेंगल। आयत क्या होता है सारे पॉइंट आपको बताते चलूंगा, रोक रोक के प्यूज करके आप उसको देखते चलना और लिखना। आयत क्या होता है, आयत एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने, नंबर एक पॉइंट, जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो। आमने सामने की भुजा, यदि हमारा ये वाली लेंथ, ध्यान देना जो लेंथ दी है, यदि ये वाली लेंथ हमारी ए है, ए, तो ये भी क्या होगी, ए होगी। अगर ये मेरी बी है तो ये भी क्या होगी, बी होगी। तो पहला पॉइंट बनता है आयत का जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा, जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ये हमारा आयत होता है। और देखो तीनों चारों कोणों को मिलाकर योग कितना आया अंदर, 360 डिग्री। बहुत बढ़िया। नंबर दो पॉइंट, आयत के अंदर इसके विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं। आयत, ध्यान देना, मैंने ऊपर ए बी माना था, मैं अब यहाँ पे क्या मान लूंगा, लेंथ। आपको समझ में आ जाएगा, लेंथ और विड्थ, यानी लंबाई को हम एल मानते हैं और चौड़ाई को हम विड्थ मानते हैं। तो इसको मैंने बी मान लिया, इसको मैंने एल मान लिया, लेंथ। ठीक है भैया, अब उसने कहा विकर्ण, पहले जान लेंगे विकर्ण होता क्या है, कि आमने सामने वाले, ध्यान देना, आमने सामने वाला भी छोड़ दो, विकर्ण होता क्या है, ये विकर्ण मेरे टेढ़े बन गए, बताता हूँ। ये वाली, ध्यान दे, ये वाला जो कोण है, ये वाली जो लाइन, ये वाले हमारा कॉर्नर है, यानी जो कोण है, इस कोण से इस वाले कोण को छोड़कर, ध्यान देना विकर्ण हमेशा पूछने की जरूरत नहीं होती, किसी को बता देते हैं, लेकिन फिर भी ध्यान देंगे कि ये, अगर हम इस कोण की बात कर रहे हैं, इस कोण से एक तो ये वाला कोण छोड़ के और एक ये वाला कोण छोड़ के, जितने भी कोण बचेंगे उनको मिलाने वाली लाइन विकर्ण कहलाई जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें हमेशा दो ही विकर्ण बनते हैं। विकर्णों की संख्या भी बहुभुज में बताएंगे, तो विकर्ण कितने बनते हैं, दो विकर्ण बनते हैं। दोनों विकर्ण हमेशा बराबर होते हैं और एक दूसरे को बराबर काटते हैं, यानी ये वाली लेंथ इसको बराबर रूप में काटेगी और ये वाली लेंथ जो होगी ये भी हमारी बराबर होगी। यदि ये एक्स है और ये भी एक्स होगी, ये वाई है तो ये भी वाई होगी, ये बात याद रखना। नंबर तीन पॉइंट क्या कहता है भाई, किसके बारे में, विकर्ण के बारे में, सॉरी आयत के बारे में। आयत क्या है हमारा, आयत का अब बात करते हैं हम परिमाप। परिमाप क्या होता है, आपको कल भी बताया था, परिमाप चारों भुजाओं की लंबाई का योग, यानी इसमें दो तो मेरा एल है, यानी टू एल प्लस दो ही मेरा बी है, टू बी, तो दो मैंने कॉमन ले लिया, एल प्लस बी, और इसको लिख सकते हैं दो गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मेरा परिमाप होता है। ये तो सभी को याद होगा, जिसको याद नहीं है वो जरा एक बार देख ले। नंबर चार, नंबर चार क्या बनता है, इसका क्षेत्रफल, एरिया। एरिया, एरिया होता है हमेशा लंबाई गुणा चौड़ाई। किसी भी चतुर्भुज का जो एरिया होता है बेसिकली यही होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेकिन वो डिजाइन के अनुसार बदलता चला जाता है, यानी एल इंटू बी, ये हमारा एरिया होता है, एल इंटू बी है भाई साहब। अब नंबर जो पांच आता है वो होता है विकर्ण। आपको बताया था विकर्ण क्या होता है, वो मैंने बता दिया, लेकिन विकर्ण की लंबाई पूछ ली जाती है, तो एक विकर्ण की लंबाई जो होती है वो होती है अंडर रूट के अंदर उसकी लंबाई का स्क्वायर प्लस उसकी चौड़ाई का स्क्वायर, उसकी चौड़ाई का स्क्वायर जो भी होता है वो विकर्ण कहला जाता है। इसको लिखेंगे अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस के बी का स्क्वायर। ये बात मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई, यहाँ तक आपको क्लियर बात समझ में आ गई होगी, लेकिन इसको नोट कर लीजिए आप। मैं इसको टाइम दे रहा हूँ, वीडियो रोक के आप नोट कर लीजिएगा, अभी आप समझिएगा और नेक्स्ट टाइम में वीडियो को रोक के समझ लीजिएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे जो बेसिकली क्वेश्चन बनते हैं वो क्या बनते हैं, आयत, आयत की बात कर रहे हैं, आयत देखिएगा। नंबर पांच हो गया, नंबर छह में इसका एक क्वेश्चन बनता है, एक आयत है, ठीक है जी, ये आयत है जिसकी लंबाई एल है और चौड़ाई बी है और लंबाई एल है। अब इसके अंदर एक कुछ चौड़ाई का रास्ता बनाया गया, इसके अंदर रास्ता बनाया गया, यानी यहां से यहां तक, यहां तक, यहां तक ये रास्ता बनाया गया, ये वाला, ठीक है भैया जी। और इस रास्ते की जो चौड़ाई है, रास्ते की चौड़ाई ये वाली, वो मैंने माना x है, कितनी है x, ये आपको समझनी पड़ेगी। तो अब इसका फॉर्मूला पूछा जाता है, रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए, रास्ते का एरिया, रास्ते का एरिया जो होता है हमेशा याद रखना। अब कैसे याद रखना, फॉर्मूला था 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस
2x, ये मेरा इसका फॉर्मूला बनता है 2x लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस के 2x, इसको मैं अभी याद करा देता हूँ आपको। तो रास्ता कौन सा रास्ता, रास्ता जब मेरा चतुर्भुज, जब मेरा आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, आयत के अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है भैया, अंदर मैं लिख देता हूँ, अंदर बने, अंदर बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब नंबर नेक्स्ट जो आता है वो आता है बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, किसके बाहर बने रास्ते का क्षेत्रफल, मैं पहले एक आयत बना देते हैं बाहर, उसके बाद एक रास्ता बाहर बना देते हैं। ये है मेरा एक आयत जिसकी लेंथ अभी भी बी है और यहाँ पर लेंथ एल है चौड़ाई, लेकिन इस बार रास्ता बाहर बन गया जिसकी चौड़ाई भी क्या है एक्स है, चौड़ाई क्या है, ये मेरा आयत के बाहर बना रास्ता है और इसकी चौड़ाई क्या है एक्स, यहाँ से यहाँ तक क्या है एक्स। अब इस फॉर्मूला पूछा जाता है रास्ता आयत के बाहर बाहर बना रास्ता, का एरिया सेम टू सेम वही है ऊपर वाला, लेकिन चेंज क्या है 2x l प्लस b प्लस के 2x, यानी ऊपर मेरा माइनस था और नीचे मेरा क्या है प्लस है। अब ये याद कैसे आपको रखना है, मैं आपको देखो यहाँ पर प्लस है और ऊपर क्या है मेरा माइनस है, यहाँ पर ये याद रखना है आपको। देखो कैसे याद रखना है, कैसे याद नहीं रखना, मैं आपको सारी ट्रिक बता देता हूँ, कैसे याद रखना है कैसे याद नहीं रखना वो सारी की बातें मैं आपको बताऊंगा जब मेरा बाहर बनेगा और अंदर बनेगा। एक बात आप मुझे बताइए, जब कोई जबरदस्ती हमारे अंदर खेत के अंदर ये हमारे घर के अंदर रास्ता निकालने की कोशिश करेगा तो हम उसे बाहर भगाएंगे नहीं भगाएंगे, तो यहाँ से हम बाहर भगा रहे हैं इसको, यानी ये माइनस वाला याद रखो, जब अंदर बात करेगा तो हम इसे बाहर भगाएंगे। जब बाहर तो हमारी चीज है, हमारी चीज बाहर है, ध्यान देना हमारी चीज बाहर है उसको हम फैला रहे हैं, कोई चीज है हमारी और उसको हम बाहर तक फैला रहे हैं तो वो तो हमारे अंदर जुड़ेगी नहीं जुड़ेगी। कोई चीज है, कोई हमारा प्लॉट है, हम उसको फैलाने की कोशिश कर रहे हैं यार ये भी हिस्सा आ जाए ये भी, तो उसको क्या कर रहे हैं प्लस कर रहे हैं माइनस, तो प्लस करते हैं, तो ये याद रखना हम उसको प्लस कर रहे हैं। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, बाहर और अंदर की बात करेगा, बाहर की और अंदर की बात करेगा, यहाँ से हमारा ये कहानी खत्म हो जाती है, ठीक है भैया। अब हम बात करते हैं इसी प्रकार से एक इसका नंबर नेक्स्ट आता है रास्ता आयत के बीचों बीच बना रास्ता, आयत के बीचों बीच रास्ता कैसे बनता है, एक ही आयत ले लिया मैंने आयत बी और एल, यहां से एक रास्ता बीचों बीच है और एक रास्ता मेरा ये है, बीचों बीच बने रास्ते का एरिया ज्ञात करो, बीचों बीच बने रास्ते का एरिया ज्ञात करो, जबकि इस रास्ते की चौड़ाई एक्स मीटर है, क्या है इसकी चौड़ाई एक्स मीटर। अब इसका मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के बता रहा हूँ, इसका जो डायरेक्ट होता है मैदान के बीच में बने रास्ते का क्षेत्रफल, मैदान के बीच में बना रास्ता का एरिया बराबर होता है टू, याद रखना सॉरी एक्स इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस एक्स। अब माइनस वाली बात तो आपको याद है क्योंकि अंदर बना हुआ है बीचों बीच और जो अंदर आता आयत के उसके हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ये वाली बात याद है, लेकिन यहाँ पर ओनली एक्स आएगा, फॉर्मूला वही है बाहर बने रास्ता अंदर बने रास्ता टू एक्स होता है लेकिन बीचों बीच बना रास्ता एक एक्स आता है, ये आपको बात याद रखनी है मेरे दोस्तों। अब इससे क्वेश्चन और बनता है नंबर 9 फॉर्मूला, एक आयताकार कमरा है, एक आयताकार कमरा है और कमरे की चारों दीवारों को क्षेत्रफल पूछता है, आयताकार कमरा के चारों दीवारों का एरिया वो क्या होता है 2 इंटू ऊंचाई यानी हाइट और ब्रैकेट में याद रखना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये मेरा फॉर्मूला है भाई, ये याद रखना बहुत आता है इससे, एनटीपीसी रेलवे में एक क्वेश्चन आता है इससे, अच्छा सी तो देता ही देता है। आयताकार कमरा के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, ये तो आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है मेरे भाई। अब हम चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक ये नोट कर लो जल्दी से, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा स्क्वायर, उस पर चलते हैं। वर्ग जिसको कहते हैं वर्ग, वर्ग, ठीक है जल्दी से जल्दी करेंगे, फॉर्मूले तो आप जानते हैं लेकिन मैं जल्दी बताऊंगा। वर्ग का सबसे पहले वर्ग बना लेते क्या होता है, वर्ग होता क्या है, वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं समान हो ए ए ए ए और जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण भी 90 डिग्री का हो, बन गया भाई वर्ग,
तो सबसे पहले पूछा जाता है नंबर एक, इसमें एरिया क्षेत्रफल, तो भुजा की घात 2, ये होता है मेरा इसका एरिया। नंबर 2 अगर इसमें पूछा जाएगा कुछ तो वो क्या होगा, वो हम आपको बताते हैं परिमाप। क्या पूछा जाएगा? परिमाप। परिमाप क्या होता है? परिमाप आपको बताया था कि सभी भुजाओं का, अगर मैं यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा हूँ तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कितनी भुजा चली मैंने? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a, तो परिमाप कितना होता है मेरा? 4a। नेक्स्ट नंबर 3 क्या होता है? नंबर 3 में पूछा जाएगा विकर्ण। विकर्ण क्या होता है? वह कह रहे हैं विकर्ण। सबसे पहले बता दें कि कोई मेरा आयत वर्ग है स्क्वायर, और मैंने आपको बताया था इस वाले कोण की अगर बात करूंगा भुजा के शीर्ष की, तो इसको और इसको छोड़कर सामने वाले पे जो मिलेगा लाइन उसको विकर्ण कहते हैं। इस पे तो ये जो इसका विकर्ण होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी वर्ग की, वर्ग की डेफिनेशन देता है जिसकी चारों कोण बराबर 90 डिग्री के हों और चारों भुजाएं बराबर हों और विकर्ण एक दूसरे को बराबर बराबर काटते हैं, तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है ए रूट टू, कहाँ गया भाई, हाँ ए रूट टू, ए रूट टू, यह हम कह सकते हैं ए क्या है? भुजा, भुजा गुणा रूट टू, ये होता है मेरा विकर्ण। ये याद रखना आपको, इससे मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। नेक्स्ट फिर इसमें वही बात आ गई कि वर्ग के अंदर बना रास्ता, जैसे हम उसके अंदर बना रहे थे रास्ता, ये हमारा वर्ग है, ठीक है, वर्ग है, अब इसके अंदर हम एक रास्ता बना रहे हैं, ठीक है भैया, उसकी भी चौड़ाई क्या x है, इसकी भी चौड़ाई क्या x है, तो हम वर्ग के अंदर बना रास्ते का क्षेत्रफल, वर्ग के अंदर बना रास्ता का क्षेत्रफल एरिया, ठीक है, वो क्या होगा? यहाँ पर रास्ते की चौड़ाई x है और वर्ग की जो भुजा है वो a है, तो इसका जो फॉर्मूला आने वाला है वो आएगा 4 into x into a minus x, ये याद रखना, 4 into x into a minus x, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसकी बहुत आपको मैं खोल के भी बता सकता हूँ ये कहाँ से बन का है, लेकिन इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास, हम इसे याद कर लेंगे। अब वर्ग के अगर बाहर की बात करें, मैंने आपको बताया था अगर अंदर बन रहा है तो उसमें माइनस करेंगे, अगर बाहर बन रहा है बाहर तो उसमें क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, सेम टू सेम 4x into a plus k x आ जाएगा। यही तो इसका बेसिक जो ऊपर समझाया था वही मैं इसको आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब इसमें बीचों बीच की बात कर रहा, वर्ग के बीचों बीच, बीचों बीच इसका फॉर्मूला होता है वर्ग के बीचों बीच x into 2a minus x, ये याद रखना, x into 2a minus x, ये इसका फॉर्मूला होता है बीचों बीच बने रास्ते का क्षेत्रफल। अब एक बात और इसमें मोस्टली आपसे पूछी जाती है वर्ग में, वो सामान्यतः वर्ग में ही पूछी जाती है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एक वर्ग है मेरा, मैंने वर्ग बना लिया भाई, इसकी भुजा क्या है? a a a ठीक है मेरा भाई। अब उसने कहा इसके अंदर एक वृत्त बनाओ, गोला, ठीक है भैया, और एक बनाइए बाहर। आपको पता है जो अंदर बनता है उसको कहते हैं अंतर्वृत्त, अंदर जो बनता है उसको कहते हैं अंतर्वृत्त, जो बाहर बनता है उसको कहते हैं परिवृत्त। तो ये अंतर्वृत्त है, ये है मेरा केंद्र। अगर मैं, ध्यान देना, अगर मैं केंद्र से बात करूं तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या, इसको कहेंगे कैपिटल आर, और अगर मैं बात करूं स्मॉल आर की तो स्मॉल आर आप जानते हो इसी सेंटर से जहां पर इसकी परिधि मिलेगी स्मॉल आर। अब यहां से पूछा जाता है अंतवृत्त की त्रिज्या आर, मैंने बताया था कि, और परिवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर, आर जो होती है वो होती है इसकी भुजा बटे 2 और कैपिटल आर होती है भुजा बटे रूट 2। जब भी इन दोनों का रेशियो पूछा जाएगा, यानी आर बटे स्मॉल आर बराबर अगर मैं करूं तो हो जाएगा ए बटे रूट 2 और बटे में ए बटे, तो भाई ए से तो ए कट गया, ये वाला ऊपर पहुंच जाएगा, हाँ है ना, तो आर बटे कितना गया, आर यानी 2 बटे रूट 2। और आपको एक बात और बता दूं, इस रूट 2 को ये रूट 2 और बाहर काट देगा, यानी रूट 2 ऊपर एक नीचे। आपसे जब भी कभी पूछा जाए कि एक आर है वृत्त के अंदर, वर्ग के अंदर बना स्मॉल आर और बाहर बना कैपिटल आर, इन दोनों का रेशियो हमेशा क्या होगा? रूट टू अपॉन वन। इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है भाई साहब, मैं आपको बताऊंगा कैसे हम डायरेक्ट, याद रखना इस चीज को, कैसे हम डायरेक्ट इससे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है भैया। नेक्स्ट, अब
नेक्स्ट क्वेश्चन इससे क्या पूछा जाता है, वर्ग की बात कर रहे हैं हमें भी, ठीक है वर्ग की नेक्स्ट। एक होता है मेरा एक वर्ग है, ठीक है जी, और इसके अंदर एक मैंने वृत्त बनाया, बड़ा सा बड़ा वृत्त। बड़ा सा बड़ा वृत्त क्या होता है कि जो इसको टच कर जाए, जो इनको टच कर जाए वो बड़े से बड़ा वृत्त कहलाता है, ठीक है जी। बना दिया बड़े से बड़ा वृत्त, मैंने बना दिया आपके कहने पे बना दिया। अब इसने कह दिया वृत्त को छोड़कर ये जो पार्ट बच रहा है ये वाला, ठीक है जी, इसका एरिया बताओ, इसका एरिया बताओ जो मेरा डैश्ड है, जो मेरा डैश्ड है। और इसी का एक पार्ट ये होता है इसी का सेम टू सेम कि ये मेरा एरिया वो है क्या है, ठीक है। अब तक तो मैं इसको गोल बना रहा था, अब मैं इसके चार पार्ट करके ऐसे बना दूंगा, है वही मेरा, ध्यान देना मेरा वृत्त वही है, लेकिन अब जो एरिया है वो इसका पूछेगा, ये जो लाइन बची हुई है यहाँ पर, यहाँ पर मेरा एरिया गोला का है लेकिन ये वाला, दोनों का एरिया एक ही होगा, और वो जो एरिया होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ वो एरिया क्या होगा, उसको आप जल्दी से कब, जब इसकी भुजा ए है, इसकी ए है, यानी तो इसकी वर्ग की भी ए है, तो चारों भुजा एक सी होंगी, तो इसका फॉर्मूला होने वाला है दोस्तों, जरा लिख लेना इसको कॉपी में, डायरेक्ट 3/14 और 1/2, ये होता है इसका एरिया 3/14 1/2। अगर पूछा जाए कि एक वर्ग की भुजा, एक वर्ग की भुजा 21 सेंटीमीटर है, 21 यानी a बराबर 21 है, और उसके अंदर एक वृत्त बनाया गया, क्या बनाया गया वृत्त बनाया गया, बड़े से बड़ा वृत्त गोला बनाया गया, तो बताइए बचा हुआ भाग का एरिया क्या होगा। तो a का फॉर्मूला रख देंगे 3/14 × 21 × 21, तो 7 × 14 = 21, अभी गुणा कर देंगे 3 × 6 = 6, 6 × 12 = 2, आंसर आ जाएगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया होगा। एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं मेरे भाई, एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लेते हैं। इससे एक टॉपिक और, इससे रिलेटेड एक पॉइंट और आपको बताता हूँ, याद रखना इस चीज को, यदि यदि वर्ग की भुजा x गुना बढ़ा दी जाए, यानी अगर मेरा ये है, ध्यान देना ये मेरी भुजा है a, 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 यदि इसकी भुजा को कितने गुना x गुना बढ़ा दिया, कितने गुना x गुना बढ़ाया, तो वो पूछेगा एरिया बताओ, एरिया पर क्या फर्क पड़ेगा। तो जब मेरी भुजा x है तो एरिया x स्क्वायर होगा, तो एरिया हो जाएगा x स्क्वायर गुना, भाई एरिया कितना हो जाएगा x स्क्वायर गुना, ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ कैसे, हैंड प्रूफ, वो कैसे अभी आपको बताते हैं। यदि मैंने माना a का मान है 2, a का मान कितना 2, यानी इसकी भुजा है 2, अगर x गुना कर दूं कितना x गुना, तो पहले मैंने देखा a से अगर मेरी भुजा a बराबर 2 है तो एरिया स्क्वायर क्या आएगा, इसी हिसाब से 4 आएगा बिल्कुल। अब इसको x गुना कर दिया मैंने, कितना गुना x, यानी इसका मैंने 3 गुना कर दिया। अब जो नई भुजा है वो 3 गुना है, 3 × 6 = 6, तो मेरे हिसाब से जो एरिया आना चाहिए, एरिया आना चाहिए x स्क्वायर बराबर 36, लेकिन इसने कह दिया एरिया जो होगा उसका x स्क्वायर गुना होगा, पहले एरिया कितना था मेरा 4, और अब x स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, तो 9 × 36, तो अब भी कितना 36, तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है अगर भुजा को x गुना करेंगे तो एरिया x स्क्वायर गुना हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है भाई साहब, उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, वो क्या होता है वो हम बताते हैं। समांतर समांतर चतुर्भुज, ठीक है समांतर चतुर्भुज। अब समांतर चतुर्भुज होता कौन सा है, ठीक है समांतर चतुर्भुज, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा समांतर हो, आमने सामने की भुजा समांतर हो, यानी कहने का मतलब समांतर क्या होता है, यदि मेरी रेल की पटरी देखिए वो ऐसे जाती है रेल की पटरी, यानी कोई भी दो लाइन जिनके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहे और कभी भी वो एक दूसरे से मिले ना, उनको समांतर कहते हैं, चाहे वो कैसी भी हो, समांतर चतुर्भुज ऐसा होता है, शायद इसको ये होता है समांतर चतुर्भुज, ठीक है भैया। देखो ये दोनों एक सी हैं और ये दोनों एक सी हैं। समांतर चतुर्भुज की पहली लाइन कहती है कि जो आमने सामने की भुजा समांतर हो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं, और आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है आमने सामने की, यानी ये ए है तो ये ए होगा, ये बी है तो ये बी होगा, याद रखना हमेशा, और इसकी लंबाई हमेशा एच होती है, जो यहाँ से ऐसे नापते हैं एच लंबाई, ये होता है समांतर चतुर्भुज। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं थोड़ा सा, तो इसका एरिया होता है एरिया, अब मैं आपको बता दूं ये ए है, ये यहाँ से यहाँ तक क्या है बी है, इसको हम क्या कहते हैं आधार, आधार, और ये ऊंचाई है,
हमेशा आपको बताया था किसी भी चतुर्भुज का एरिया हमेशा होता है एरिया आधार गुणा ऊंचाई, तो इसका भी होगा, इसका जो होगा b इंटू एच होगा आधार गुणा ऊंचाई, ये तो आपको पता लग गया होगा। ठीक है, नंबर दो पॉइंट परिमाप, आपको पता है परिमाप चारों भुजाओं का योग, यानी दो तो a दे रखे हैं और दो उसने b दे रखा है, तो ब्रैकेट से बाहर ले लिया a और b, तो ये आपका आगा परिमाप। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है विकर्ण। अब इसे आपको प्रॉपर्टी बनती है विकर्ण क्या होता है, और इसका एरिया हम दूसरे तरीके से निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूँ अभी। देखो ये है समांतर चतुर्भुज, ठीक है भाई, अगर मैं कहूँ तो मैं इसको एक दो त्रिभुज के रूप में बना लेता हूँ, एक त्रिभुज ये वाला और एक त्रिभुज नीचे वाला, तो एक ये त्रिभुज है विषमबाहु त्रिभुज, कौन सा विषमबाहु, क्योंकि ये मेरा ए है ये बी है और ये ए है और ये बी है और ये मेरा डायगनल आ गया, मैं इसको क्या मान लेता हूँ डायगनल को डी मान लेता हूँ, डी फॉर डायगनल, ठीक है भाई। तो जब ये दो प्रकार के विषमबाहु त्रिभुज दिख रहे हैं और विषमबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस ए एच माइनस बी और यहाँ पर एच माइनस डी आएगा इस बार क्योंकि डी की बात कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कितने हैं मेरे दो हैं, कितने दो, तो इसका एरिया यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है भैया, यहाँ से भी हम एरिया निकाल सकते हैं। दूसरी और खास बात, इसका जो प्रॉपर्टी होती है डायगोनल विकर्ण वाली प्रॉपर्टी, नंबर तीन विकर्ण वाली प्रॉपर्टी, विकर्ण याद रखना विकर्ण वाली प्रॉपर्टी, विकर्ण नंबर एक ये वाला डायगोनल नंबर एक का स्क्वायर, अगर डायगोनल नंबर दो के स्क्वायर से हम जोड़ दें तो हमें जो निकलेगा टू, ये याद रखना ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और हम इसको हमेशा यूज करते हैं, कहीं ना कहीं इसको यूज करते रहते हैं कि ये प्रॉपर्टी है डायगोनल वाली, डायगोनल वन का स्क्वायर प्लस डायगोनल टू का स्क्वायर दोनों भुजाओं के वर्ग के दो गुने के बराबर होता है, वर्ग के योग के दो गुनों के बराबर होता है, ये मैंने आपको बस समझा दी, समझ में आया भाई, ये प्रॉपर्टी खास और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो इसमें आपको काम देती है हमारा। नेक्स्ट 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 क्या है, समांतर चतुर्भुज, समझ में आया, ठीक है, अब ये बस इसकी प्रॉपर्टी है समांतर चतुर्भुज की, ये चार प्रॉपर्टी पे ही हम काम करेंगे इसकी पे। नेक्स्ट होता है, सॉरी क्वेश्चन आ गए, चलो ये कर देंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट होता है मेरा सम चतुर्भुज, कौन सा सम चतुर्भुज, जिसे रोमबस कहते हैं, रोमबस ही कहते हैं, इंग्लिश मेरी कमजोर है वैसे, उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, सम चतुर्भुज है भाई, सम चतुर्भुज होता क्या है वो जानेंगे, यह एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है, परंतु इसमें एक बात है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है, उसकी चारों भुजा नहीं, उसकी आमने सामने वाली भुजा बराबर होती थी, तो हम लिख लेंगे रोमबस का ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए है ये भी ए है, उसमें बस आमने सामने वाले की भुजा, और इसकी खास बात और रोमबस की खास बात क्या होती है, इसके विकर्ण जो होते हैं, ये वाले विकर्ण मैं लिखा देता हूँ विकर्ण, उसका मैंने विकर्ण के बारे में इतना नहीं बताया था, लेकिन इसके विकर्ण के बारे में, एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ये वाला 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90 डिग्री होगा, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ये इसकी खास बात होगी। और अब बात करते हैं इसका एरिया, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, एरिया बराबर होता है एक, और ये आपको पता है डायगोनल वन है और ये डायगोनल टू है, एक बटा दो गुना डायगोनल वन गुना डायगोनल टू, ये इसका एरिया का सबसे साधारण फॉर्मूला होता है, समझ में आया। और अगर हम इसकी भुजा निकालने की कोशिश करें, क्या निकालने की कोशिश करें, भुजा अगर ना दी हो तो एक बटा दो डायगोनल दे रखे दोनों अंडर, इस पे क्वेश्चन दूंगा आपको फटाफट, एक बटा दो डी वन का स्क्वायर प्लस के डी टू का स्क्वायर, तो यहाँ से हम भुजा निकाल सकते हैं ए जो आपको बता दी गई है। और नंबर चार क्या होगा इसका, नंबर तीन की बात करें परिमाप, परिमाप तो आपको पता है चार भुजाओं का योग यानी फोर ए हो जाएगा, समझ में बात आ रही है नहीं। और इसकी एक प्रॉपर्टी खास रूप से जो मैंने अभी पहले बताई थी कि डायगोनल वन का स्क्वायर प्लस डायगोनल टू का स्क्वायर, उसमें जो था टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी टू इंटू ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर ही लिख सकते हैं, लेकिन जो ए है वही बी है, तो टू इंटू ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिख जाएगा टू इंटू टू ए स्क्वायर, तो बराबर बन गया फोर ए स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख सकते हैं डायगोनल वन का स्क्वायर प्लस डायगोनल टू का स्क्वायर बराबर फोर ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये बात उम्मीद है समझ में आ गई होगी आपको, और आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन करने जाएंगे, ध्यान देंगे दोस्तों, कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और बच गया टाइप, उसको कर लेंगे समलंब चतुर्भुज को, कौन सा समलंब चतुर्भुज, वो क्या होता है, जिसको हम कहते हैं ट्रेपीजियम, सम है लम है समलंब चतुर्भुज,
ठीक है भैया, चतुर्भुज क्या होता है? ट्रेपीजियम। आप बाल्टी देखिए, वो भी एक ट्रेपीजियम होता है। दो तरीके का ट्रेपीजियम होता है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। नाला देखा होगा, नदी देखी होगी, इस टाइप की होती है। बाल्टी होगी वो इस टाइप की होती है। ट्रेपीजियम का इसकी हमारी एक खास बात होती है, ये तो भुजाएं होती है समांतर होती हैं, लेकिन ये भुजा अलग अलग लेंथ की होती है। ये भुजा समांतर होती है लेकिन होती क्या, अलग अलग लेंथ की होती है, ठीक है भैया। और ये अगर मैं मानना चाहूं तो इसको डी मान सकता हूं, इसको सी मान सकता हूं, सॉरी तबीयत अच्छी हो रही है। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिया। एरिया होता है इसका बराबर एक बटा दो, जो हाइट है, हाइट को मेजर करेंगे, हाइट एच, एक बटा दो दोनों भुजा जो समांतर भुजाएं हैं ए प्लस बी, उनका योग और गुणा हाइट। ये इसका फॉर्मूला होता है, एक बटा दो दोनों भुजाओं का योग और गुणा हाइट। और इसके लिए भी प्रॉपर्टी डायगोनल वन, तो डायगोनल तो मैं इसका बना देता हूँ, यहाँ पर ये रहा डायगोनल और इसका डायगोनल ये रहा। डायगोनल वन का स्क्वायर प्लस डायगोनल टू का स्क्वायर, वो तो आपको याद हो गया होगा, एक मतलब टू इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक मतलब फोर ए स्क्वायर। इसके अंदर भी मेरा वही बनेगा, चारों भुजाओं का स्क्वायर, उसका भी चारों भुजा था लेकिन दो दो, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा टू ए बी। तो इसको याद रखने के योग्य आपके बात है, इसी से क्वेश्चन बनता है समलंब चतुर्भुज में, अदरवाइज कोई क्वेश्चन बनने वाला है ही नहीं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, इनको नोट कर लीजिएगा, अब हम चलते हैं आपको एक तरफ क्वेश्चन को लेकर, क्वेश्चन भी कराने आपको जरूरी है, तो 10-15 मिनट क्वेश्चन को देंगे हम आपको, बहुत इजी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एक, एक आयताकार मैदान, तो आयत वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयताकार मैदान की लंबाई और परिमाप बताओ। सबसे पहले हम जानेंगे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, बहुत बढ़िया। और एरिया दे रखा 180, जिसमें कि एक चौड़ाई दे रखी है, एल नहीं दे रखा, चौड़ाई कितनी दे रखी है 15, 15 के से इसको काटेंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 30, तो एल बराबर कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। तो पहली वाली चीज तो मेरी निकल गई, लंबाई 12 है। परिमाप क्या होता है, नंबर दो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, बहुत बढ़िया। तो दो तो रखूंगा बाहर, एल प्लस बी यानी 12 प्लस के 15, 12 और 15 कितने होते 27, 27 दूनी कितने होते हैं 54 सेंटीमीटर, हमारा आंसर आ गया है, ठीक है भैया। नेक्स्ट नेक्स्ट पर चलेंगे हम, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हम साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, आयताकार मैदान का क्षेत्रफल, चलो भाई फिर से लिखेंगे, एरिया बराबर एल इंटू बी होता है, जो कि कितना दे रखा 560 दे रखा, ठीक है भैया। अब इसने क्या कहा है, क्या कहता है ये क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, बहुत बढ़िया, यानी लंबाई और अनुपात चौड़ाई का अनुपात 5:7 है, 5:7। एक बात का ध्यान रखना, जब भी मैं इनको संख्या बनाऊंगा लंबाई को, तो x जरूर लगाऊंगा, हमेशा 5 और 7 से काम मत करना, इस प्रकार के क्वेश्चन में 7 जरूर लगाना है। तो उसने पूछा आयताकार मैदान का विकर्ण बताओ, तो यहाँ से विकर्ण का फॉर्मूला लगाते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, जिसके लिए हमें एल और बी का आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी, तो एल और बी निकाल लेते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला 5x × 7x = 560 है, 7 से इसको काटेंगे 7×8=56, 8 से इसको काटेंगे कितना आएगा 5×5=30, यानी x और x का स्क्वायर बराबर 16 है, और x बराबर कितना आ गया 4। तो यहाँ से दो चीज निकल जाएंगे, लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई तो होगी 5×20 और 7×28। आपसे पूछा है विकर्ण बताइए, तो विकर्ण का फॉर्मूले में इसमें रखेंगे, जल्दी से जल्दी रखिएगा भाई, जल्दी से जल्दी रखने की कोशिश करेंगे, कितना आएगा कि 20 का स्क्वायर प्लस के 28 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 28 का स्क्वायर कितना होता है 784, ब्रैकेट के अंदर कितना जाएगा 1184, या तो मैं इसको मीटर में लिख दूंगा, या इसका अगर रूट कोई आएगा तो उसको लिख दूंगा, वरना मेरा यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई, तो नया मैदान का क्षेत्रफल 26 मीटर स्क्वायर होगा, सॉरी 2600 मीटर स्क्वायर होगा, आयताकार मैदान की चौड़ाई ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में दिमाग मारने की जरूरत नहीं है, फटाफट ऑप्शन पकड़ेंगे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जल्दी से मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको, 60, 50, 40 और 65। इसने क्या पूछा, चौड़ाई बताओ, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, 3:2। तो अगर मैं ऑप्शन, ध्यान देना,
अगर मैं एल बराबर लिख लूं, देखो एल बराबर 3x और बी बराबर कितना होगा मेरा 2x, बहुत बढ़िया। और उसने कहा यदि लंबाई को 5 बढ़ा दिया जाए, तो सबसे पहले मैं देखूंगा आंसर में क्या पूछा चौड़ाई, तो ये आंसर सब चौड़ाई के दिए होंगे, किसके आंसर दिए होंगे चौड़ाई के, तो एक ऐसी संख्या जो 2 से और 3 से दोनों से कट जाए तो मैं उसको लेना चाहूंगा। तो मैंने लिया अगर x बराबर, ध्यान देना 40 लिया, तो 2x बराबर मैंने लिया 40, तो x बराबर आएगा 20 और यहाँ से आ जाएगा 60, तो ये लंबाई और चौड़ाई कितनी आएगी 60 आएगी। इसने कह दिया कि यदि लंबाई को 5 मीटर और बढ़ा लिया जाए तो नया क्षेत्रफल 2600 आएगा, क्या मेरा आंसर सही आएगा चेक करते हैं। 0 की 0, 0 1 0 तो आएगी, 5 चौक 20 बचे 2 और 6 चौक 24 है तो 26, ये तो बेस्ट आ गया। तो भाई मेरा आंसर कौन सा है, इस 40 ही मेरा आंसर है करेक्ट, जो कि बाई ऑप्शन ठीक हो गया। आप 2 से 3 ऑप्शन भी चेक कर सकते हैं, हालांकि 2 में ही आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयताकार बगीचा, आयताकार बगीचा बनाते हैं भाई। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, लाइक करें या शेयर करें, बीच में भी लाइक कर दिया करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। एक आयताकार बगीचे के बीच की, बगीचे की माप 200 मीटर और 180 मीटर है, ठीक है जी, 180 मीटर और 200 मीटर क्योंकि बड़ा वाला यही है। उसके बाहर चारों ओर, तो हमने गलत लिख दिया, ये वाला नहीं है, ये वाला है 180 और 200। उसके बाहर चारों ओर एक रास्ता बना, ये बना दिया हमने पहले ही बना दिया रास्ता, जिसकी चौड़ाई कितनी है 15 मीटर है। यहाँ से आपको एक बात का तो अंदाजा हो गया होगा कि यहाँ से जो उसने कहा है रास्ते के बाहर बना रास्ता का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला आप भी जानते हो जो मैंने अभी लिखवाया था, 2xl + b, और बाहर बनाए तो उसको हम अंदर लाने की कोशिश करेंगे 2x। हाँ है ना, बिल्कुल बढ़िया। अब इसमें आपको वैल्यू ही रखनी है, करना कुछ नहीं है। एक्स जो है वो 15 है, तो 15 × 30, एल कितना 200 और 180 कितना हो गया 380, और प्लस के फिर से 30, भाई 30 और अंदर क्या बचा मेरा 410, गुणा कर देंगे, 2 0 की 0 आ जाएंगी, 3 × 3 = 3, 3 × 12 तो 1200 मीटर स्क्वायर, अगर मीटर में दिया है तो यही मेरा आंसर है, मीटर स्क्वायर, बस सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, बना लेते हैं भाई 50 100, ठीक है, इसके बीचों बीच बीच ओ बीच है एक समान चौड़ाई का रास्ता बना। अब बीच में रास्ता ठोक दिया भाई इसने, ये वाला बीचों बीच है, याद रखना भाई, थोड़ा मेरी ड्राइंग में ऐसी हो जाता है। तो जिसका क्षेत्र, अब क्षेत्रफल भी दे दिया और उसकी चौड़ाई बताओ। तो इस क्वेश्चन को मैं जल्दी से ऑप्शन करके देखूंगा, इसका ऑप्शन दिया है 5, 12, 10 और 8, देखो कैसे करूंगा। तुरंत आपके जहन में, आपके खोपड़ी में एकदम आंसर आना चाहिए, x प्लस एल प्लस बी, अंदर बनाए तो माइनस एक्स, हाँ जी नहीं जी। अब एक ऐसी संख्या आपको रखनी है x की जो इसमें वैल्यू रख के 1400 मीटर स्क्वायर आ जाए, और यहाँ पर 100 और 50 दे रखा 150 माइनस एक्स और अंदर ब्रैकेट में भी x, एक ऐसी संख्या जो 150 से घटाने पर उसके गुणा करने पर मेरा आंसर ये आ जाए, तो मैं इसमें 10 रखता हूँ, 10 रख के देखता हूँ, तो यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 140, भाई वाह मजा आ गया, 1400 आंसर आ गया भाई, तो यही मेरा आंसर आ गया 10, क्योंकि मेरे खोपड़ी में घंटी बजी। अगर 5, ध्यान देना कैसे, अगर मैं 5 रखूंगा और अंदर 145 आएगा तो लास्ट में 5 जरूर आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दे रखा। अगर 2 रखूंगा बाहर, ध्यान देना, और अंदर बचेगा कितना मेरा 140 138, तो 8 × 16 नहीं आएगा, 8 रखूंगा तो भी, तो एक ऐसी संख्या जो 0 बना रही है वो यही आंसर है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वर्गाकार पारक की भुजा 16 सेंटीमीटर है, एक वर्गाकार पारक की भुजा 16 सेंटीमीटर है, ठीक है भैया, और उसके बाद क्या कह रहा है, इसे व्यक्ति विकर्णता पार करता है। विकर्णता का मतलब क्या है, एक ये रहा पारक है जी, पारक बना दिया वर्गाकार, इसकी भुजा कितनी है 16 16 16 16, विकर्ण ये होता है, विकर्णता एक आदमी पार कर रहा है इसको, विकर्णता है, वी कह रहे हैं ये वाला विकर्ण है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी, यानी इसका मतलब ये यहाँ से, ध्यान देना मैं आपको फिर समझा देता हूँ भाई, कलर अलग लेना पड़ता है तो समझ में आता, यहाँ से ऐसे ना जाके वो क्या करा, उसने सीधा यहाँ से जाने की कोशिश करी, तो इसका मतलब वो कह रहा विकर्ण बताओ भाई आप,
तो विकर्ण होता ए रूट टू किसका, वर्ग का, 16√2। ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। और अगर पूछना चाहे रूट टू की वैल्यू क्या होती है तो बता दो, वरना यही तो आंसर है, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, 16√2 है, सिंपल तरीका। वरना इसमें पता नहीं क्या क्या लगाते फिरेंगे भाई, क्योंकि उसने पूछा विकर्ण और विकर्ण का फॉर्मूला होता वही कह रहे हैं, विकर्ण बराबर वर्ग का ए रूट टू, तो ए बराबर 16 और रूट टू आंसर 16√2, बस बस सिंपल। नेक्स्ट ये कह रहा है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है, एक वर्गाकार मैदान की लंबाई 200 मीटर है और इसके चारों ओर 2.5 मीटर का एक चौड़ा रास्ता बना दिया, रास्ते का क्षेत्रफल बताओ। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को ज्यादातर ऑप्शन से करेंगे, मत करो ऑप्शन से। वर्गाकार का तो सीधा सीधा फॉर्मूला आप जानते हो, वर्गाकार मैदान के रास्ते का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, जो कौन सा रास्ता, वर्गाकार मैदान की लंबाई इतनी, इसके चारों ओर रास्ता बना दिया भाई, फॉर्मूला तुरंत लगाओ, 4x into a minus x, यही है भाई, 4x into a minus x। इसमें जब अंदर बनना बाहर, इसके चारों ओर अंदर की ओर, ना अंदर दिया ना बाहर दिया भाई, ना इसने अंदर दिया है ना इसने बाहर दिया है, तो मैं इसे अंदर लेने की को अंदर लिख देता हूँ, इसके अंदर चारों ओर, क्योंकि तभी तो मैंने माइनस करा, 4x into a minus 2x, तो 4x into a minus 2x, 4x यानी x की वैल्यू, 4 into 2.5, ये कितना है 200, माइनस 2.5, तो यहाँ कितना आएगा 2.5 into 10, तो आंसर क्या जाएगा, into 1.1975, तो गुणा कर दो 1975 सीधा मीटर स्क्वायर, बताओ एक सिंपल आंसर। नेक्स्ट, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अब समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद आना चाहिए, ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। यदि इसका अभिलंब इसके आधार का 66/2/3, भाई 66/6% की वैल्यू होती है 2/3, ये फ्रिक्शन वैल्यू कहलाती है, किसका कहता है वो नीचे होती है, जिसका कहता है वो नीचे और जिसको कहता है वो ऊपर, जिसको उसने कहा आधार का, किसका कहा आधार का, तो मैं ऊपर जो लिखूंगा नीचे वो आधार लिखूंगा, ये होगा आधार, और किसको कहा अभिलंब को, तो ये होगा अभिलंब, ये बात तो मेरी समझ में आ गई। यानी अगर आधार मेरा 3 है तो अभिलंब कितना होगा, 4 होगा, लेकिन कब, जब एक क्षेत्रफल दे रहा है, तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, कहां गई मेरी पेन, ये रहा, समांतर चतुर्भुज का एरिया जो होता है वो होता है भैया आधार गुणा ऊंचाई। अब उसने आधार भी दे दिया, ऊंचाई भी दे दी और एरिया भी दे दिया, एरिया दिया है तो पहला आधार लिखेंगे, आधार है मेरा 2x into 3x मान सकता हूँ, कभी भी जब गुणा भाग की बात हो तो x जरूर लगाओ, डिजिट में काम मचलाओ, 486, तो हम इसको 300 उड़ाते हैं, 3 × 3 = 3, 3 × 18 = 3, 2 × 6 और इसको उड़ाएंगे 8 × 16 = 8, 8 × 8 = 8, तो x बराबर आ गया 9। तो उससे पूछा है आधार, आधार मेरा कितना है, देखो कितना जल्दी जल्दी वैल्यू आ गया मेरा, आधार कितना 3, 3 × 27 और ये कितना 2, 2 × 18, आंसर आ गया। इससे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इससे भी सिंपल क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रहा किसी सम चतुर्भुज की एक भुजा 19 है, सम चतुर्भुज आप जानते हैं ये होता है सम चतुर्भुज, ठीक है, एक भुजा 19 है, देखो जी मैंने 19 लिख दिया, और इस भुजा की इसके सामने वाली भुजा से दूरी, अच्छा जी ये कह रहा है कि जो सामने वाली भुजा है उससे इसकी दूरी 19 है, मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींची और ये 15 सेंटीमीटर की दूरी पर जिसकी भुजा ये भी 19 है, ठीक है। अब कहा इसका समांतर चतुर्भुज का एरिया बताओ, भाई एरिया क्या होता है, एरिया बराबर बेस आधार गुणा ऊंचाई, अब इसने ऊंचाई तो सीधी सीधी 15 दे दी और आधार भी कितना दे दिया, किस की ऊंचाई है जिसका आधार 19 है, तो 19 की 15 में गुणा करेंगे 285 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमारा एरिया पूछ रहा है, सिंपल। अब ध्यान देना, कभी कभी क्या कहेगा भाई, पेन का भाग जाता है, कि ये मेरा 19 है और इसके सामने वाले की वजह कितनी 15 है, तो एरिया बताओ, तो आप 19 × 15 करोगे तो गलती कर दोगे, अगर हमारी ऊंचाई सामने की दे रखी है इसकी दूरी तो यही आधार चाहिए, अगर ये आधार दे रखा है तो यही मुझे दूरी चाहिए, ये याद रखना भाई साहब, वरना क्वेश्चन फंस जाएगा।
कह रहा है यदि एक सम चतुर्भुज के आसपास की भुजा एक सम समांतर चतुर्भुज बना ले, सम है अन है तैर समांतर, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी आपसी भुजा आसपास की भुजा ये 12 है ये 19 है मैं कह सकता हूँ, और इसका एक विकर्ण 15 है तो एक विकर्ण और बना लेते हैं, यह है 15 भाई। जब ये वाली 12 है तो कहाँ गया, जब ये वाली 12 है तो जे भी 12 और जे 19 है तो जे भी 19, बिल्कुल बढ़िया। अब कहाँ है समांतर चतुर्भुज का एरिया बताओ, अरे रे 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 रे, समांतर चतुर्भुज का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है कृपया कोई बताएगा? समांतर चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, 2 into एस एच माइनस ए एच माइनस बी और एच माइनस डी डायगनल। यहाँ पर एच क्या है, एच बराबर इन सभी को जोड़ो 15 प्लस 19 प्लस 12 बटे 2 तो 15 19 है, 9 है, ये 9 है भाई, मैं गलत कर रहा हूँ, इसको बार बार देखो हजार बार देखो, ये देखने की चीज है, क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ कहीं और मत रह जाओ, ठीक है। 12 और 9 21 और 15 36, 36 का आधा 18 है तो 18 आ गया। अब डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखते हैं एरिया, ए आर ई ए, एरिया होता है ये वाला, तो अब इसको यहाँ पर ला रहे हैं, 2 into 18 में से 15 गए, सबसे पहले 15 घटा लो 3, 12 गए 6, 9 गए 9, इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो आप भी कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाएगा 54, यानी यहाँ बचेगा कुछ ऐसी संख्या जो 54 का स्क्वायर बनेगा, तो हम इसको लिखेंगे 2 × 54, 54 का स्क्वायर क्या होता है जल्दी से जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे, शायद 29 16 आएगा, बिल्कुल वेरी गुड, तो ये आएगा 54 और यहाँ से 108 मेरा क्या जाएगा, विकर्ण की लंबाई नहीं एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर, वेरी वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी सम चतुर्भुज के दोनों विकर्णों की लंबाई, अब भाई इसने दे दिया दोनों विकर्ण, d1 बराबर 120, d2 बराबर 90 और परिमाप बताओ, अरे परिमाप पूछा है तो आपको पता होगा परिमाप बराबर क्या होता है, चारों भुजाओं का योग ए ए ए ए, और ए बराबर क्या होता है, ए बराबर क्या होता है 1/2 अंडर रूट d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, भाई ये तो मैंने अभी आपको बताया, और यहां से हम ए का वैल्यू निकालने वाले हैं आप सभी लोगों के सामने, और वो क्या होगा वो आप देखिएगा, ए बराबर 1/2 अंडर रूट d1 की वैल्यू क्या है 120 का स्क्वायर प्लस 90 का स्क्वायर, यहाँ लिख देंगे 12 में 144 00 प्लस 90 का स्क्वायर 9100, दोनों को जोड़ेंगे 0 ब्रैकेट में जाएगा 0 0 चार और एक 5 और कितना होगा 22, और आपको ये पता लग गया 225 किसका स्क्वायर है 15 का, 00 क्या आएगा 1 का, और यहाँ 1/2 चल रहा है, 1/2 कितना जाएगा 150 का 75, तो आंसर कितना आएगा 75 सेंटीमीटर, ये ए है। अब हमें निकालना परिमाप, क्या निकालना परिमाप बराबर क्या होता है 4 into A यानी 4 × 75 यानी कितना हो जाएगा 75 × 150 और 300 सेंटीमीटर ओनली। तो दोस्तों अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है फिर दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सम चतुर्भुज का परिमाप 140 सेंटीमीटर, परिमाप क्या होता है आपको पता है, परिमाप होता है मैं लिख देता हूँ परिमाप 4 into A, और A क्या होता है 1/2 गुणा अभी बताया था d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। उसने कहा इसका परिमाप इतना है 140 और विकर्ण एक क्या 55, तो दूसरा विकर्ण अगर परिमाप की जगह हम 55 140 रख देंगे, कितना 140 तो हम इधर रख देंगे 146 बराबर इधर आएगा मेरे 2 और एक विकर्ण की दे रखे 55 का स्क्वायर जल्दी से जल्दी बताएंगे कितना आएगा 30 25 है, और प्लस दूसरा d2 का स्क्वायर पूछा है, ठीक है भैया। तो यहाँ से अगर मैं इसको काटूंगा कितना आएगा 7 और 3 72 73। अब दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे 73 × 73 बराबर 30 25 प्लस के d2 का स्क्वायर, तो यहाँ से जो d2 आएगा
E2 का स्क्वायर। अब 73 और 73 की गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा, 73 गुणा 73, जल्दी से जल्दी करके बताओ, कर लेते हैं यहाँ पे, 3 3 9, ठीक है भैया, 3 7 21 गुणा 7 21 2 7 7 49 2 51, 9 2 3 5। अब इसमें से हमें माइनस करना, 5 3 2 9 माइनस के 30 25 माइनस करो, 30 25 तो कितना बचेगा, 4 0 3 2 तो 23 0 4 लिख देते हैं। तो यहाँ आएगा D2² बराबर 23 0 4। अब आपको ये बात जरूर याद होनी चाहिए, 23 0 4 किसका स्क्वायर है, 23 0 4 जो स्क्वायर होता है यानी D2 निकल आएगा 48 का, किसका, 48 का। तो यहाँ तक आपको उम्मीद है समझ में आया होगा दोस्तों। तो आज मेरा जो एंड है वो हो गया 2D पार्ट 2, उसका एंड हो गया, जिसको हमने चतुर्भुज में आपके सामने पढ़ाया, चतुर्भुज के लिए पढ़ाया। कल हम आपको नई वीडियो के साथ नया टॉपिक लेकर आएंगे, लेकिन भूल ना मत, इससे रिलेटेड आपके जितने भी पार्ट है 2D के, मैं बहुत सारे क्वेश्चन कराने वाला हूँ, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ने वाला। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, शेयर ज़्यादा करें, लाइक भी करें, कोई दिक्कत नहीं लाइक करने में। और तब तक नई वीडियो आती है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच मेरी वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।